अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद, वेलकम टू वाशिंगटन टीवी। हमारे आज के मेहमान ये डीसी मेट्रो एरिया में ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ अ सोशल पर्सन, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर ओवर वन डेकेड। ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, सोशल पर्सन। So here we have Ahmed Rana, people call him King. Welcome to the show, Ahmed Rana. Thank you so much, Kashif, Dr. Kashif Sohail bhai, and you said it, over the decade we have been friends, but I think we are more than friends, we are family. And if you remember, I was the villain in one of your video that you sang along with the other star, and that video was sensational hit, and you told me that you want to cast me in that video. Since then we are together, we have done various adventure together, and as a community I always see you and I always support you from bottom of my heart. Yeah, Ahmed Rana aaj ke event mein aaye the, aaj ek business event Virginia mein tha, to is silsile mein ye idhar aaye hue hain, to hum aaj ke event ke bare mein inse puchhenge ki aaj ke event mein aapne kya learn kiya, kya agenda tha, अब हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो जो मिस्टर लोबो हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। सिर्फ उनकी रिटायरमेंट नहीं थी, आज उनकी दोस्ती थी जो पिछले 40 साल से थी। और मैं आज देख रहा था कि जितने लोगों ने भी स्पीच करी, सब लोगों ने कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाई, और उस स्टोरी से मिस्टर लोबो के अंदर जो है मैं देख रहा था कि खुशी का एक इजहार कर रहे थे वो। और साथ में जो स्टोरी से हम लोग एक लेसन लर्न हो रहा था, जो उन्होंने बुक भी लिखी योर एटीट्यूड, और आप भी बुक राइटर हैं, तो आज यहाँ पे पता चला कि वर्जीनिया में आके कि मैं चाहता हूँ कि शायद मेरी भी रिटायरमेंट अगले 30 साल बाद मिस्टर लोबो की तरह हो। तो USPICC ने, शेख सिद्दीक साहब ने बड़ा अच्छा यहाँ तमाम किया, और बहुत मज़ा आया कि इतने पुरानी दोस्ती और इतने पुराने दोस्तों को देख के कि यार ये भी दोस्ती होती है। आजकल लोग फेसबुक के दोस्त रह जाते हैं, लेकिन कमाल की दोस्ती है। और आज दोस्त का असली मतलब ये समझ में आया कि दोस्ती सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है, दोस्ती दोनों तरीके से होती है, जैसे तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। जी आपको आज के बिजनेस इवेंट के बारे में अहमद राना ने बताया, तो अभी आपको बुक्स के बारे में भी बताएंगे। जी काशिफ भाई, आपकी चारों बुक्स जो है मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मैं सारों के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं एक बुक के बारे में स्पेशल बात करना चाहता हूँ, जो आपकी बुक है स्ट्रेस रिड्यूसिंग डाइट, द सीक्रेट ऑफ सुपर लाइफ। इसमें नाज़रीन, इस बुक को मैं चाहूँगा कि आप लाजमी पढ़ें। इसमें इन्होंने वो बातें लिखी है जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ में काम आती हैं, और ख़ास तौर पर जो है इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि जो आपकी मेडिसिन सिर्फ नहीं हेल्प करती, बल्कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपने आप के साथ टाइम गुजारें, और ख़ास तौर पर आप जब भी स्ट्रेस हों तो आप अलोन टाइम गुजारें और अपने आप को रिफ़्रेश करें। और मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेस रिड्यूसिंग डाइट जो डॉक्टर काशिफ सोहेल ने लिखी है, इस पे सब अमल करें। इनकी और बुक्स भी हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट बुक है। और मैं एक और बुक के बारे में बात करना चाहूँगा आपकी। जी बिल्कुल, हिप्नोसिस तो आपकी पार्ट वन पार्ट टू दोनों ही आई हुई हैं, लेकिन एक और बुक है द बेस्ट फूड टू रिलीव हर्निया पेन। तो इसलिए इनका नाम डॉक्टर काशिफ सोहेल है, ये बुक्स के राइटर तो हैं ही हैं, लेकिन ये कम्युनिटी को अपनी राइटिंग के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ और बुक को परचेज़ करें और चारों बुक्स पढ़ें, अगर आप बुक पढ़ने का शौक़ रखते हैं। जी हिप्नोसिस जो बुक है, अब आप बहुत सारे लोगों को हिप्नोसिस का नहीं पता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, और ये दो बुक्स हैं इनकी, तो ये दोनों बुक्स जो फोर बुक्स हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे, जी बिल्कुल, आज मेरे हाथ में दो बुक्स हैं इनकी, और ये दोनों बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हिप्नोसिस क्या चीज़ होती है। और ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी के अंदर हम लोग सिर्फ काम 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 पर चलते हैं, क्योंकि कायदे आज़म ने फरमाया, लेकिन हम लोगों को इन्जॉय भी करना चाहिए और हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर पे सिर्फ अपनी जनरेशन के लिए नहीं, नेक्स्ट यंग जनरेशन को भी मैसेज देना चाहिए। तो काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, काशिफ सोहेल ने उस पर हिप्नो बर्थिंग पे भी लिखा है, और ख़ास तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में पढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन में आपको आज सारी बातें कैमरे पर ना बताऊँ, आप बुक परचेस करिए और बुक पढ़िए, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और बड़ा मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अमेजोन पे अवेलेबल है, नहीं तो डॉक्टर काशिफ सोहेल को आप रब्ता करें, कायम करें फेसबुक पे। और ये भाई हमेशा कम्युनिटी के लिए, पब्लिक के लिए कहीं भी हाजिर होते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी पहली अफ्तारी रखी गई थी, इनके और इनके वालिद साहब को खाली मैंने इनविटेशन दिया,
इन्होंने पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हमारे लिए की थी, तो जजाक अल्लाह खैर। अहमद राना द किंग से हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वाशिंगटन टीवी के लिए हमारे नाज़रीन को कुछ मैसेज। वाशिंगटन टीवी, कीप रॉक्स एंड कीप वॉचिंग वाशिंगटन टीवी। दिस इज नॉट जस्ट अ टीवी, दिस इज अ कम्युनिटी टीवी, व्हाट ब्रिंग्स यू कम्युनिटी इवेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द DMV एंड ऑल ओवर द USA। प्रेस मीडिया टीवी, प्रेस मीडिया टीवी के लिए पैगाम है कि आप प्रेस मीडिया टीवी को बिल्कुल देखिए, और प्रेस मीडिया टीवी जो है DMV के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स जो है उनको दिखाता है आपको, और ख़ास तौर पर उन लोगों को प्रमोट करता है कि जिन लोगों ने कुछ कम्युनिटी के लिए काम किया हो। ओके, थैंक यू वेरी मच अहमद राना द किंग। थैंक यू डॉक्टर काशिफ सोहेल, एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी।